नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज हम आपके लेकर आए हैं एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में निकली हुई भर्ती के बारे में। एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस लिमिटेड में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे इस पोस्ट को आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है, जॉब लोकेशन क्या है, ऐसी पूरी जानकारी आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आप यहां पर देख सकते हो, इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम डिप्लोमा /BBTech किया होना जरूरी है और पीजी डिप्लोमा प्राप्त उम्मीदवार भी इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है आपको, जो कि 18 से 35 साल है, यानी अधिकतम 18 से 35 साल तक के जो उम्मीदवार है इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। और बड़े विस्तार में एज रिलैक्सेशन के बारे में जानकारी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लेंगे, पर उसके पहले हम देख लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ नॉट डिफाइंड रखी गई है, बताई नहीं गई है। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन और प्रतिमाह आपको यहाँ पर वेतन अच्छा खासा मिल जाएगा, जो कि 20,000 तक है और ग्रेड पे आपको मिल जाएगा यदि एप्लीकेबल होगा तो कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है। अब हम देखेंगे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या जानकारी मिल रही है, पर उसके पहले देख लेते हैं जॉब लोकेशन क्या है। तो जॉब लोकेशन है नागपुर महाराष्ट्र, यानी सिलेक्ट होने पर आपकी पोस्टिंग नागपुर महाराष्ट्र में होगी। ये जो PDF है जारी किया गया है एयर इंडिया MRO नागपुर के द्वारा, जिसमें आप देख सकते हो यहाँ पर एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन FTE ऐसे वेरियस पोस्ट के लिए यहाँ पर भर्ती जारी की गई है। और आपको यदि अप्लाई करना है तो आपको मिनिमम AME डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग प्राप्त होना जरूरी है और कम से कम आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एविएशन इंडस्ट्री में काम करने का। तो ये सब एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास और आपके पास जो मार्क्स है 60% मार्क्स से आप यदि आपने जो कोर्स है आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट AME का यदि कंप्लीट किया है तो आप एलिजिबल हो, या आपने 3 साल का जो डिप्लोमा या इंजीनियरिंग डिग्री आपने प्राप्त की है तो आप अप्लाई कर सकते हो। पर एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर पॉइंट बताया गया है वो कि उम्मीदवार को मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है एविएशन इंडस्ट्री का, तो ही वे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर जानकारी बताई गई है कि जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स की जो एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स है, 35 ईयर्स के आगे के जो उम्मीदवार है वे अप्लाई नहीं कर सकते। और OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स है उनके लिए 38 ईयर्स है, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40 ईयर्स है। तो देखा जाए तो OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन है, SC ST कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए 40 साल का एज रिलैक्सेशन है और यहाँ पर वेतन आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। पर जो फ्रेशर्स है वे इस पोस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते। फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, उसके बाद आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाएगा या आपको परमानेंट भी किया जाएगा। एप्लीकेशन फी आपको यहाँ पर भरनी है, वॉक इन ट्रेड टेस्ट आपकी होगी यहाँ पर, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू राउंड होगा जिससे आपका चयन होगा। वॉक इन इंटरव्यू की डेट जो है यहाँ पर स्पेसिफिक पोस्ट के लिए वेरियस डेट्स यहाँ पर जारी की गई है। रिटर्न टेक्नीशियन की जो वैकेंसी उसके लिए 17/9/2018 17 सितंबर को एग्जामिनेशन होने वाली है और 19/9/2018 यानी 19 सितंबर को भी एग्जामिनेशन होगी यहाँ पर वॉकिंग ट्रेड और स्किल टेस्ट। एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है उसके लिए जो एग्जामिनेशन होने वाली है, वॉकिंग जो होने वाली है वो 21/9/2018 को होगी। और एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन की जो एक्सक्लूसिवली फॉर बैक शॉप्स है 24/9/24 को इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है। वेन्यू की जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हो, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट MRO नागपुर प्लॉट नंबर 1 सेक्टर 9 नोटिफिकेशन एरिया SEZ, ये जो एड्रेस है यहाँ पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए आना है। और एप्लीकेशन फॉर्मेट इस तरीके से आपका होना जरूरी है और या प्रिंट आउट निकाल के आपका जो एप्लीकेशन है इसे फिल कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से ये भर्ती हो रही है और महाराष्ट्र नागपुर में आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना होगा। ऑल ओवर इंडिया से उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और आपकी पोस्टिंग वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा नागपुर में होगी। तो जो भी हमारे उम्मीदवार अप्लाई करने के लिए उत्सुक है तुरंत अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करिएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको इंपोर्टेंट लिंक हर बार की तरह प्रोवाइड किए हैं, उस पर आप क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम मिलेंगे आपके साथ ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।